दूर संचार ऑपरेटर यानी कि टेलीकॉम ऑपरेटर स्पैम कॉल रोकने में नाकाम रहे हैं और उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं किया है। उनसे जुर्माने की वसूली के लिए उनकी बैंक गारंटियों को भुना लिया जाना यानी कि इनकैश करना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये आदेश भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई ने दूरसंचार विभाग DOT को दिया है। मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स के अनुसार ट्राई एक्ट के नियमों का पालन नहीं करने वाले टेलीकॉम कंपनियों का लाइसेंस रद्द करने की ताकत ट्राई के पास होती है, लेकिन इसे आखिरी कदम मानते हुए फिलहाल उनकी बैंक गारंटी से 115 करोड़ रुपए का बकाया वसूलने का प्रस्ताव रखा गया, जो पहली बार किया जा रहा है। ये कदम भी इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि इन डिफॉल्टर कंपनियों ने कई रिमाइंडर भेजे जाने के बावजूद कोई कार्रवाई या फिर किसी भी तरह का अब तक भुगतान नहीं किया है। खबरों के माने तो सरकारी कंपनियां यानी कि भारतीय संचार निगम लिमिटेड और MTNL इस सूची में सबसे बड़े डिफॉल्टर हैं, जिन पर लगभग 50 करोड़ का बकाया है। इन दो सरकारी कंपनियों के बाद डिफॉल्टर लिस्ट में भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो के भी नाम शामिल हैं। अनचाही अनजानी कॉल्स और ऑनलाइन फ्रॉड की समस्या से निपटने के लिए कुछ ही महीने पहले कई सरकारी निकायों ने मिलकर कदम उठाने की योजना बनाई थी। ट्राई, सेवी, RBI, केंद्रीय गृह मंत्रालय और टेलीकॉम मंत्रालय सहित अनेक शीर्ष नियामकों और मंत्रालयों से मिलकर योजना तैयार की थी। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि टेलीकॉम कैरियरों ने कुछ सेक्टर्स में कॉलर ID सेवा भी सरकार और ट्राई के दबाव में ही आकर शुरू की थी। आपको बताते चलें कि केंद्रीय टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने X हैंडल से दूर संचार विभाग और ट्राई की इस बड़ी कार्रवाई के बारे में जानकारी शेयर की है। केंद्रीय मंत्री ने अपनी पोस्ट में कहा कि सेवा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता मजबूत बनी हुई है। DOT और ट्राई ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए हमने सहयोगात्मक उपाय किए हैं। स्पैम कॉल करने वालों के खिलाफ एक ऐतिहासिक कार्रवाई में 3.5 करोड़ से अधिक नंबर अब तक बंद कर दिए गए हैं और 50 संस्थानों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आगे कहा कि हमारे संचार साथी पोर्टल के माध्यम से 1 करोड़ से ज़्यादा फ्रॉड वाले मोबाइल कनेक्शन भी काटे गए हैं। ये व्यापक प्रयास निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करने, यूजर संतुष्टि बढ़ाने और भारत में दूर संचार क्षेत्र के समग्र विकास और परिवर्तन का समर्थन करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।